बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरी रेसिपी खुद पर्सनल अपनी रेसिपी है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे वनीला शेक। वनीला शेक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो गिलास मैंने मिल्क के लिए हैं, ठीक है। हाफ मैंने लिया है शुगर का, हाफ कप यानी कि 12 स्पून मैंने लिए हैं टी स्पून शुगर के। और कुछ मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, इनको पानी में सोक कर लिया है इस तरह से, ठीक है। आपने इनको हमेशा पहले पानी में रख लेना है, फिर ये ग्राइंडर बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है। और 4 डेट्स लिए हैं मैंने, और वनीला एसेंस लिया है मैंने, और ड्राई मिल्क पाउडर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, और 2 मैंने लिए हैं बनानास, और 1 एप्पल लिया है। तो आए इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो गाइस, फ्रूट्स हमने अपने कुछ इस तरह से कट कर लिए हैं, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जार में जो है अपनी शुगर ऐड करनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर सबसे पहले इसलिए ऐड करनी चाहिए क्योंकि ये फिर अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाती है, ब्लेंड हो जाती है बिल्कुल अच्छे से। और जो हमने बादाम लिए हैं उनको हम निकाल लेंगे इस तरह से पानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी हम ऐसे डाल देंगे। ड्राई मिल्क और डेट्स को हमने जो है उसकी ये निकाल कर उसमें को डाल देना है इस तरह से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत और हमारा इनाम होता है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर वीडियो स्किप नहीं की मैंने। ये मैंने लिया है तकरीबन वनीला एसेंस लिया है, ये मैं डालूंगी इसमें हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना सा, इसकी जो स्मेल है वो बहुत होती है तो ये इतना बहुत होगा। अगर आपने ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह डालने हैं तो आप ज़्यादा कीजिए, ठीक है। फ्रूट्स के हिसाब से आपने इसकी क्वान्टिटी रखनी है, ठीक है। अब इसमें जाएंगे फ्रूट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। फ्रूट्स चले गए, मिल्क जो कि 2 ग्लास मिल्क लिया था मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चले गया। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेंडर को आपने जो है ऑन कर लेना है। जी तो गाइस, शेक हमारा जो है रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। आपने इसको 5 मिनट से पहले नहीं करना रेडी क्योंकि इसमें मैंने जो बादाम डाले हैं उसको भी हमने जो है अच्छी तरह से वो ग्राइंड करना है, वरना बादाम हमारे ग्राइंड नहीं होंगे तो वो फिर मोटे मोटे जो है वो आपको पता है अच्छे नहीं लगते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं इसको सर्व करके। जी तो गाइस, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही डिलीशियस टेस्टी जो है वनीला शेक रेडी हो चुका है। ये तकरीबन आप जितना मैंने बनाया है 4 लोगों को आप आराम से जो है ना सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 बनानास थे और 1 एप्पल था और उसके साथ 2 ग्लास दूध थे, तो 4 ग्लास जो है ना ये रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ये देखिए इसकी यम्मी लुक मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ करीब करके। तो आपने मुझे ये लाजमी कमेंट करके बताना है कि ये आपको कैसा लगा है। जी तो गाइज, आप फाइनल लुक इसकी देख सकते हैं। माशाल्लाह से कितना यूनिक, कितना प्यारा और कितना टेस्टी माशाल्लाह से बना है। ये आपने पीना है, बनाना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मजीद मेरी हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।